हरे कृष्णा मित्रों, अभी मैं हूँ वृंदावन में और अभी हम लोग चलेंगे प्रेम मंदिर। वृंदावन का प्रेम मंदिर पूरे विश्व में फेमस है। कहा जाता है कि आगरा का ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, वैसे ही वृंदावन का प्रेम मंदिर भी राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी बताता है। इस मंदिर को देखने और भगवान राधा कृष्ण का दर्शन करने लोग देश विदेश से वृंदावन आते हैं। जब भी राधा कृष्ण की बात होती है तो इस बात का जिक्र ज़रूर होता है कि संसार में आध्यात्मिक प्रेम से कृष्ण ने ही परिचय कराया है। इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यही वजह है कि यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी होती है। वृंदावन का ये प्रेम मंदिर श्री राधा कृष्ण और राम सीता को समर्पित है। इस भव्य मंदिर की संरचना 5वें जगत गुरु कृपालु महाराज ने स्थापित की थी। मंदिर को पूरे 1000 मजदूरों ने 11 सालों में बनाकर तैयार किया था। इस भव्य और खूबसूरत मंदिर का निर्माण जनवरी 2001 में शुरू किया गया था। इस मंदिर का उद्घाटन 15 फरवरी 2012 को किया गया। सार्वजनिक रूप से 15 फरवरी 2012 को इसे खोला गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 125 फीट है, इसकी लंबाई 122 फीट है, मंदिर की चौड़ाई लगभग 115 फीट है। इस मंदिर को संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है, जिसे इटली से मंगवाया गया था। मंदिर का मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण की मनोहर झांकियां और सीताराम का खूबसूरत फूल बंगला है। मंदिर में सत्संग के लिए एक विशाल भवन का निर्माण किया गया है। यहां एक साथ 25,000 लोग बैठ सकते हैं। इस भवन को प्रेम भवन कहा जाता है। इसे साल 2018 में आम लोगों के लिए खोला गया था। राधे राधे। इस मंदिर में कुल 94 कलामंडित स्तंभ हैं, जो किंकारी और मंजरी सखियों के विग्रह के बारे में बताते हैं। शाम होते ही मंदिर की सतरंगी रोशनी भक्तों को काफ़ी आकर्षित करती है। होली और दीपावली में मंदिर का नज़ारा देखने लायक होता है। मंदिर में स्पेशल लाइट्स लगाई गई हैं, इस वजह से हर 30 सेकंड में मंदिर का रंग बदल जाता है। Thank you.
आपने अपना पूरा समय दिया मुझे, आप सबों का प्यार और स्नेह की सख्त ज़रूरत है। कृपया अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर दें। राधे राधे, हरे कृष्णा, धन्यवाद।